हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पशुपालकों को एक समस्या काफी देखने को आती है कि सर्दियों के अंदर उनके कठरू बच्चों हैं, बच्चियां हैं, वो काफी मर जाती हैं, जिसका कि मेन कारण होता है रक्त की कमी, खून की कमी पशुओं के अंदर आ जाती है, जिसके कारण बच्चे काफी मरते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी के लिए एक दवा आती है अमाइनो रिच कंपनी की, जो कि नीदरलैंड की कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट आता है आरबीसी रिच, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, मार्केट के अंदर आरबीसी रिच है वो 500 ml की पैकिंग के अंदर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और आमतौर पर डॉक्टर इसको ब्लड बूस्टर के नाम से कहते हैं। दोस्तों, इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जानने के बारे करने से पहले हम बात करते हैं इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट डाला गया है। दोस्तों, आरबीसी रिच के अंदर मार्टेक्सटेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, फेरिक अमोनियम साइट्रेट, कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट, विटामिन D3, विटामिन H, फोलिक एसिड और साथ में विटामिन D डाला हुआ है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो मेन आरबीसी रिच है क्या काम आता है और इसके क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है। दोस्तों, अगर कोई भी पशु है, गाय है, भैंस है, कठड़ू है, बछड़ू है, छोटी बच्ची है, भेड़ है, बकरी है या कोई भी सुअर है, अगर उसको खून नहीं बन रहा है, थायलिसिस की दिक्कत है, तो इसके लिए ये बहुत ही सर्वोत्तम दवा है। इसके अलावा आमतौर पर देखने को आया है पशु की स्किन है वो काफी रफ हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, तो उसके लिए भी आप आरबीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपर और कोबाल्ट डाला होने के कारण अगर पशुओं के अंदर बांझपन की समस्या आती है, अगर हमें लगता है सांड भी नपुंसक हो चुका है, तो उसके लिए भी आरबीसी रिच का बहुत ही एक्सेलेंट रिजल्ट है। इसके अलावा देखने को आया है छोटे कछुओं, बच्चों या कई बार बड़े पशु भी होते हैं तो वो पेशाब पीना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, अगर पेशाब पीते हैं तो उसके अंदर आरबीसी की कमी काफी ज्यादा होती है। जो अमाइनो रिच का आरबीसी रिच है, ये पशुओं के डाउन सिंड्रोम है उसको क्योर करता है, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ने के कारण पशु के अंदर एनर्जी आती है, कोई कमी तत्वों की होती है वो दूर होगी। इसके साथ साथ पशु के अंदर जो अपने इम्यूनिटी है उसका वो भी बढ़ेगी, और साथ में बीमारियों के खिलाफ लड़ने की शक्ति बढ़ेगी। इसके अलावा कमजोरी के बाद, किसी तरह दवा के प्रयोग करने के बाद पशु के अंदर कमजोरी हो चुकी है, तो आप आरबीसी का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा आपको रिजल्ट देगा। इसके अलावा अगर कोई बच्चा या पशु अगर मिट्टी खाता है या कचरा खाता है तो भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में देखने को आया है, जैसे कि लेडीज के आमतौर पर खून की कमी आ जाती है, उसी कारण पशुओं के भी खून की कमी आती है। ज्यादातर हम क्या है, पशुओं का खून जांच नहीं करवाते, इस कारण हमें इसी का ध्यान नहीं होता, परंतु प्रेगनेंसी के अंदर पशुओं के भी खून की कमी आती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। पशुओं की जो मेन डोज होती है उनके वजन के ऊपर डिपेंड करती है, वो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले सकते हैं, लेकिन जो मेन डोज है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। बड़े पशु जैसे कि गाय, भैंस, होरस या अगर ऊंट वगैरह हो चुके हैं तो उसके लिए आपको 25 से 50 ml डोज देनी पड़ेगी। छोटे पशु जैसे कि बिल्ली होगी या कुत्ता हो गया, बकरी होगी, भेड़ होगी, सुअर होगी है, छोटे कठरू या बच्चू है, तो उनको 5 से 15 ml डोज देनी पड़ेगी। इसके अलावा आप पशुओं की कोई भी दवाइयों की जानकारी चाहते हैं, इंसानों की किसी प्रकार की कोई भी दवाइयों के ऊपर रिव्यू चाहते हैं, तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप शेयर, लाइक और कमेंट करना प्लीज ना भूलिएगा। थैंक यू।